हे गाइस, दिस इज मोहित कुमार कश्यप और आप हमारी सभी वीडियोस अब अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते हैं। हे गाइस, दिस इज मोहित कुमार कश्यप और यहाँ आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ आरआरबी एएलपी के लिए करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो आरआरबी एएलपी का एग्ज़ाम जैसे कि चल रहा है, अभी कुछ स्टूडेंट्स का रहना बाकी है, कुछ स्टूडेंट का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल यहाँ पर क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, तो आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करके चले। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं करंट अफेयर का। और ये 6 मंथ्स की करंट अफेयर है, 6 मंथ्स की, ठीक है। 1 जनवरी 2018 से 21 जुलाई 2018 तक के यहाँ पर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि केंद्रीय कैबिनेट ने अप्रैल 2018 में पॉक्सी एक्ट में संशोधन कर 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों से रेप के दोषियों की सजाए मौत के प्रावधान को मंजूरी दी। यह पॉक्सो एक्ट लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? यह हुआ था सन 2012 में, पॉक्सो एक्ट। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं कि महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा मुश्किल में फंसे बच्चों की मदद के लिए निशुल्क हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, तो यह नंबर जारी किया गया है 1098। याद रखेंगे, पूछा जाता है कि मुश्किल में फंसे बच्चों की मदद के लिए जो निशुल्क हेल्पलाइन नंबर है वो क्या है, तो वो है 1098। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य बल विशेषाधिकार कानून अफस्पा को 31 मार्च 2018 से भारत के किस राज्य क्षेत्र से हटाया गया है? तो अपस्फा को अभी हाल ही में हटाया गया है 31 मार्च 2018 में, वो है मेघालय राज्य। तो गाइज, यहाँ पर मैं जो क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ 6 मंथ के करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो प्रिपेयर करके चलें और वीडियो को लास्ट तक देखते आपको ये जितने भी क्वेश्चन, साथ ही आप इसकी फ्री PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का, तो वहां से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप गुरुकुल हब चैनल के नाम से, ठीक है। तो वहां पर फ्री PDF आपको इसकी मिल जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फरवरी 2018 में किस बैंक की मुंबई स्थित ब्रैंडी हाउस 999 से 11,000 करोड़ के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ? 11,000 करोड़ के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ, तो वो है पंजाब नेशनल बैंक, ब्रैंडी हाउस 999। नेक्स्ट है कि पावरलेस कवरेज मैपिंग कंपनी ओपन सिग्नल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 4G नेटवर्क की उपलब्धता के मामले में प्रथम स्थान पर कौन है? प्रथम स्थान पर है जियो नेटवर्क, ठीक है। 4G में जियो फर्स्ट नंबर पर है ओपन सिग्नल की रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2018 को हैदराबाद का 7 वर्षीय लड़का समन्यु पोथू राजू किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी उरुहू की फतह पर फतह कर तिरंगा लहराया? तो वो है अफ्रीका में। क्लियर। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है उरुहू। नेक्स्ट है कि ग्राम स्वराज अभियान के तहत भारत के किस राज्य के 20,000 गांवों में 19 अप्रैल 2018 को स्वच्छ भारत दिवस मनाया गया? 19 अप्रैल 2018 को 20,000 गांव, और वो है छत्तीसगढ़ राज्य के 20,000 गांव। क्लियर। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की सफलता को देखते हुए सरकार ने वर्ष 2018 में उज्ज्वला दिवस मनाया है, और ये मनाया गया है 20 अप्रैल 2018 को उज्ज्वला दिवस, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की सफलता को देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति राहुल कास्त्रो ने उपराष्ट्रपति डियाज कैनल को औपचारिक रूप से सत्ता सौंप दी है? तो वो है क्यूबा के राष्ट्रपति राहुल कास्त्रो ने उपराष्ट्रपति डियाज कैनल को औपचारिक रूप से सत्ता सौंप दी। नेक्स्ट है कि 1 मई 2018 को अमेरिका द्वारा किस देश के राजनयिकों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाते हुए उन्हें शहर के 40 किलोमीटर के दायरे तक सीमित कर दिया गया? तो वो है पाकिस्तान के 40 किलोमीटर के दायरे तक सीमित कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि पश्चिम एशिया का वह देश जहां 35 वर्षों के बाद सिनेमाघर को खोला गया और उससे संबंधित कथन सत्य है? तो वैदे सऊदी अरब है, बिल्कुल सही बात है। और पहली बार हॉलीवुड फिल्म ब्लैक पैंथर वहां पर दिखाई गई है, तो दोनों ही ऑप्शन सही है। तो सी ऑप्शन हमारा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ये सही होगा।
आगे चलते हैं, खाद्य तेल उद्योगों के संगठन सॉल्वेंट एक्सटेक्सर्स एसोसिएशन के अनुसार वर्ष 2017-18 में भारत वनस्पति तेलों के आयात में स्थान रखता है, क्या कौन सा स्थान रखता है? तो वो है पहला, प्रथम स्थान रखता है सॉल्वेंट एक्सटेक्सर्स एसोसिएशन के अनुसार भारत वनस्पति तेलों के आयात में पहला स्थान रखता है। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन द्वारा भारत में एंड्रॉयड उपकरणों के लिए पेश किया गया वेब ब्राउजर है, तो वो है इंटरनेट। क्लियर। नेक्स्ट है कि सड़कों एवं पुलों के निर्माण में पारदर्शिता लाने के लिए चाणक्य विश्वकर्मा नामक एप्लीकेशन किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो वो है उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा चाणक्य एवं विश्वकर्मा नामक एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है सड़कों एवं पुलों के निर्माण में पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 14 अप्रैल 2018 को किस देश द्वारा 700 किलोमीटर मारक क्षमता की बाबर क्रूज मिसाइल के उन्नत संस्करण का परीक्षण किया गया? तो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान के द्वारा 700 किलोमीटर मारक क्षमता की बाबर क्रूज मिसाइल के उन्नत संस्करण का परीक्षण किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, केंद्र सरकार द्वारा डाक जीवन बीमा से जुड़ी पॉलिसी संबंधित जानकारी के लिए जारी किया गया ऐप है और उस ऐप का नाम है दर्पण। याद रखेंगे दर्पण, जो कि डाक जीवन बीमा से जुड़ी पॉलिसी संबंधित जानकारी के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन है कि हाल ही में सौरमंडल से बाहर के ग्रहों पर जीवन की तलाश के लिए एक नए उपग्रह TESS का प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया नासा के द्वारा। नेक्स्ट है कि 8 अप्रैल 2018 को लंदन में आयोजित 16वें इंडिपेंडेंट म्यूजिक अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ इलेक्ट्रॉनिक्स डांस सिंगल का अवार्ड जीतने वाले भारतीय हैं, तो वो है अनीश सूद। उनका नाम है अनीश सूद। फिर है कि 21वां कॉमनवेल्थ गेम 2018 जो 4 से 5 अप्रैल के मध्य गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ, उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक वो थी पीवी सिंधु। 21वें राष्ट्रमंडल खेल में भारत की ओर से 17 खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 221 एथलीटों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो उसमें टोटल पदक जीते हैं 64। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा इंग्लैंड में। ठीक है, तो ऑप्शन ए गलत है, इंग्लैंड मानकर चलेंगे। इंग्लैंड है इसका सही आंसर, इंग्लैंड में बर्मिंघम 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है कि 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भारत की ओर से खेली गई किस खेल प्रतिस्पर्धा में सबसे अधिक कुल 16 पदक प्राप्त हुए हैं? तो वो है निशानेबाजी। निशानेबाजी में सबसे ज्यादा 16 पदक प्राप्त हुए हैं। 23 क्वेश्चन आता है, 23वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी 16 से 20 अप्रैल 2018 के मध्य अपनी विदेश यात्रा के दौरान नॉर्डिक देशों के सम्मेलन में भाग लिए, नॉर्डिक देशों का सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था? तो यह हुआ था स्वीडन में। कहां पर आयोजित हुआ? स्वीडन में। भारतीय अर्थव्यवस्था में जिलों की सक्रिय भागीदारी तथा जिलों के विकास में 3% की वृद्धि हेतु उत्तर प्रदेश के किस जिले से व्यापक जिला योजना की शुरुआत की गई है? तो यह की गई है वाराणसी से। ठीक। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आता है कि 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में कुल प्राप्त पदकों की संख्या के आधार पर पदक तालिका में भारत का स्थान है, तो वो है चौथा, चौथे पायदान पर रहा है 21वें राष्ट्रमंडल 21वें कॉमनवेल्थ खेलों में भारत। तो गाइज ये थे 25 क्वेश्चन, 25 करंट अफेयर के क्वेश्चन, और ये हैं 1 जनवरी 2018 से 21 जुलाई 2018 तक के बीच की अवधि के। इसमें अभी और भी क्वेश्चंस बाकी हैं, तो अगर आप चाहेंगे कि मैं आगे भी ये क्वेश्चंस लेकर आऊँ 6 महीने के करंट अफेयर को, आपको ALP एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, ग्रुप डी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कवर करा दूँ, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ज़्यादा लाइक होंगे तो मैं समझूंगा आपको वीडियो पसंद आ रही है और आगे भी इसी तरह की वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा डेली बेसिस पर। ठीक है, तो अभी तक की इस वीडियो में तो इतना ही, और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले मिले। धन्यवाद।